फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जो कि 18 गज के अंदर बनी हुई है। इसमें ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सेकंड फ्लोर बना हुआ है, थर्ड फ्लोर बना हुआ है। ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट है और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट बना हुआ है 1 BHK और समरसेबल ऑलरेडी लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है, साथ में ये बाथरूम है, ये वॉशरूम आ जाता है। ठीक ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है पूरा 1 रूम सेट। सभी फ्लोर के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे अभी आया हूँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्होंने 1 BHK फ्लैट बनाया हुआ है, एक बाथरूम है और एक किचन दिया हुआ है। रूम का साइज करीबन 8x8 का है। ये रेंट के हिसाब से आप बिल्डिंग ले सकते हो या फिर आपकी अगर छोटी फैमिली है तो इसके हिसाब से पूरी बिल्डिंग परचेज कर सकते हो। किचन कैसे दिया हुआ, मैं किचन आपको दिखा रहा हूँ। ये गैलरी के साथ में ही इन्होंने ये किचन बना दिया है और यहीं पर आगे की तरफ चलेंगे तो एक बाथरूम दिया है इन्होंने, ये एक छोटा सा बाथरूम दे दिया। और यहीं से आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर जिस तरीके से नीचे बनाया हुआ है इसी तरीके से ऊपर भी बना हुआ है सारा, यानी कि आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर मिल रहे हैं। अगर आप चौथा फ्लोर बनाना चाहते हैं तो चौथा फ्लोर भी आपका बनकर रेडी हो जाता है और ये बिल्डिंग आपको मिल रही है काफ़ी अच्छे प्राइस के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्राइस दे देता हूँ इसका। इसी तरीके से ये सामने बालकनी आ जाती है। बालकनी के बाद में अब मैं इस साइड से दिखा दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से बना हुआ, क्योंकि छोटा प्लॉट है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत अच्छा है कि आप रेंटल इनकम ले सकते हैं यहाँ से करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये कुल, छोटा सा एक अमाउंट खर्च करने के लिए। मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, लक्ष्मी नगर, जो कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है। सामने की गली की बात करूँ तो करीबन 14 फिट की ये गली है, ये इसका रूम है। और यहीं से अगर मैं बात करता हूँ नीचे जाने के लिए तो इसके स्टेयर्स यहाँ से दिखाई देते हैं। आपको कम इन्वेस्टमेंट में एक पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी, अच्छी लोकेशन पे बिल्डिंग है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।